हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी को एक नया अधिनियम जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 पढ़ाने आई हूँ। हम पढ़ते हैं। इसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। एक्ट नंबर है 4 और राष्ट्रपति की सहमति इसको मिली है 22 जनवरी 1991, और जबकि ये एप्लीकेबल हुआ है 8 फरवरी 1991। और इसका उद्देश्य जो है वो है राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को बनाए रखना और उनसे संबंधित अन्य विषयों पर उपबंध बनाना। ठीक है, इसमें टोटल सेक्शन है 35 और टोटल चैप्टर है 7। तुरंत ही कवर हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा लॉन्ग होगी तो इसके 2-3 पार्ट्स मैं बना दूँगी। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट आएगा। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या आता है? शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल में क्या आता है? बियर एक्ट का पूरा नाम। तो मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एप्लीकेबल जो है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। उसके बाद आएगा चैप्टर सेकेंड। चैप्टर सेकेंड में क्या है? लोगों के आने जाने और कार्यों पर निबंधन। ठीक है, तो व्यक्तियों के आने जाने और कार्यों पर निबंधन के बारे में जो है वो चैप्टर सेकंड बोलता है। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड में क्या आएगा? सेक्शन सेकंड आएगा। सेक्शन सेकंड में क्या आएगा? परिभाषा आएगी। परिभाषा आएगी इसमें किसकी? रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर, निबंधन आदेश। तो निबंधन आदेश के अंतर्गत क्या आएगा? निबंधन आदेश के अंतर्गत आएगा जो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। सिर्फ इतना सा याद करना है हमें निबंधन ऑर्डर के अंतर्गत। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 का टाइटल है कि निबंधन ऑर्डर जारी करने की पावर किसको है। ठीक है, तो निबंधन ऑर्डर जारी करने की शक्ति, निबंधन आदेश जारी करने की शक्ति। सेक्शन 3 में बताया गया है कि निबंधन आदेश जारी करने की शक्ति DM को है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट को है। अब DM को अगर यदि ऐसा लगता है, जिला मजिस्ट्रेट को यदि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसी रीति से कार्य कर रहा है या ऐसी रीति से कार्य करने की संभावना है जिससे कि राज्य की सुरक्षा पर या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर वो उस पर रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी कर देगा। और रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर इसलिए भी जारी करेगा कि जनता के हितों के लिए आवश्यक है ऐसा करना। ठीक है, तो वो क्या क्या ऑर्डर लगाएगा? ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ें, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में ए में आएगा, क्लॉज ए में आएगा कि वो व्यक्ति जो है उसे बोलेगा कि अपने आने जाने की और उपस्थित होने की सूचना DM को दे, कोई प्राधिकारी को दे जो भी नियुक्त किया गया है, या फिर DM को दे। तो क्या? अपने आने जाने की सूचना दे या फिर उसके समक्ष उपस्थित हो। ठीक है, उसके बाद अगर मतलब इसमें यह है, या तो आने जाने की सूचना दे या फिर उपस्थित हो, या फिर दोनों ही कार्य करे, उपस्थित भी हो और आने जाने की सूचना दे। सेकंड पॉइंट आएगा, सेकंड क्लॉज आएगा कि उस व्यक्ति से जो भी संयुक्त है, मतलब जो भी उससे मिलते हैं या संपर्क रखते हैं, उनके बारे में भी वो उनको सूचना दे। और रिस्ट्रिक्शन लगाएगा जो भी उससे सहयुक्त हैं या फिर संपर्क रखते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आएगा कि यदि वो व्यक्ति जिस वस्तुओं का यूज कर रहा है या जो उसके कब्जे में है या जिनका उपयोग वो आगे करेगा, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि वो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तीनों पॉइंट वो उसको मानने पड़ेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर के अंतर्गत आएंगे। सेकंड सबसेक्शन आएगा सेक्शन 3 का, उसमें ये बताया जाएगा कि ये जो ऑर्डर है वो कब तक जारी रहेगा। तो वो आदेश करने की दिनांक से 1 साल के भीतर तक जारी रहेगा, 1 साल तक ही इन्फोर्स में रहेगा, उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हमने क्या पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर कौन जारी करेगा? DM जारी करेगा। और DM क्या क्या कंडीशन लगाएगा? तो 3 कंडीशन लगाएगा। उस व्यक्ति को जिस पर उसको शंका है कि जो ऐसी रीति से कार्य कर रहा है या फिर कार्य करने की संभावना है, उससे बोलेगा कि आप अपने आने जाने की सूचना दें और हमारे सामने उपस्थित हो।
दूसरा, जो आपसे संपर्क रखते हैं उनके बारे में हमें जानकारी दें और उन पर निर्बंधन लगा देगा कि आप उनसे संपर्क नहीं रखेंगे। तीसरा, आप जिस भी व्यक्ति वस्तुओं को अपने अपने कब्जे में रखते हैं या यूज़ करने वाले हैं या यूज़ करते हैं तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। चौथा सबसेक्शन 2 ये है इसी का, सेक्शन 3 का, कि ये ऑर्डर जो है वो 1 साल तक जारी रहेगा, इन्फोर्समेंट में रहेगा। सो ये सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया। सो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है समाज विरोधी तत्वों और पूर्व में सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्तियों का तितर बितर किया जाना। इसके अंतर्गत सेक्शन 4 से लेके 19 तक कवर होंगे। सो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या है, व्यक्तियों के दलों तथा समूहों का तितर बितर किया जाना, यानी उनको इधर उधर हटने के लिए बोलना। ठीक है, तो जब भी जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि व्यक्तियों के दल या समूह उनके आने जाने से जिले में भय या संतरास या खतरे का उत्पन्न हो रहा है, या उसको ऐसी संभावना लग रही है कि ये ऐसा कुछ डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं या प्रकल्पित कर रहे हैं जिससे कि जिले के अंतर्गत भय या संतरास कारित होगा इन दलों और समूहों के कारण, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन दल या समूहों के जो भी नेता हैं उनको ढोंडी पिटवा कर, ढोंडी मतलब समझते हैं ड्रम, ड्रम बजवा कर, जैसे पिछले टाइम में मतलब पहले ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके टाइम में अगर राजा महाराजाओं को जनता में कोई सूचना को पहुंचाना होता था तो क्या करते थे, ड्रम बजाते थे, सुनो 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 हमारे महाराज पधार रहे हैं, आज शाम को आप लोगों को वस्त्रों का वितरण किया जाएगा, सो समय पर पधारे महल के अंतर्गत, इस तरह की कुछ सूचनाएं प्रसारित होती थी राजा महाराजाओं के द्वारा, तो वो ढोंडी पिटवाते थे। तो वही इन्होंने बोला है कि जो डीएम है अगर उसको लगता है कि जो दल है जो समूह है उसके आने जाने से, उन व्यक्तियों के दल या समूह के आने जाने से जिले के अंतर्गत भय या संतरास कारित होता है या खतरा उत्पन्न होता है तो वो उनको निर्देश जारी करेगा, तामील के जरिए जो भी ऑर्डर है आदेश निकाला जाएगा, उसके बाद डोंडी पिटवाकर निर्देश जारी करेगा। सो सबसे पहले उसका निर्देश होगा कि उन व्यक्तियों से कि आप सभी ऐसे आचरण करें जिससे भय और संतरास का निवारण हो, जिससे जो भी खतरा उत्पन्न हो रहा है जो भी भय उत्पन्न हो रहा है आप ऐसे आचरण करें जिससे उसका निवारण हो, ऐसा ना लगे कि आपके आने से भय या संतरास कारित हो रहा है, भय और खतरा उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद सेक्शन 4 के पॉइंट बी में ये कहा गया है कि उन व्यक्तियों के दलों और समूहों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप तितर बितर हो जाएं, आप अलग अलग हो जाएं, आप हट जाएं वहाँ से, और ऐसे ज़िले या ज़िले के समीप या ऐसे स्थान या ज़िले के पास के क्षेत्र उनसे ऐसे टाइम पीरियड के अंतर्गत जो डीएम बताए उस समय के भीतर भीतर बाहर चले जाएं, ठीक है, और ज़िले के किसी भाग क्षेत्र या उसके समीप ऐसे भाग में प्रवेश ना करें, ना उस स्थान पर वापस लौटें जहाँ से जाने का आपको निर्देश दे दिया गया है। इस प्रकार ये सेक्शन 4 कंप्लीट होता है। सेक्शन 4 के सेक्शन 4 जो है उसकी हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यक्तियों के दलों और समूहों का तितर बितर किया जाना। तो डीएम को यदि लगता है कि ज़िले में व्यक्तियों के दल या समूह के आने जाने से भय या संतरास कारित हो रहा है, या फिर उसको संदेह है कि दल या समूह के सदस्य जो हैं वो विधि विरुद्ध परिकल्पना कर रहे हैं, तो फिर डीएम क्या करेगा, ऐसे व्यक्तियों के दल या समूह या उनके मुखिया को या नेता को ढोंडी पिटवाकर या अन्यथा जिला मजिस्ट्रेट को जैसा भी सही लगता है प्रकाशित किए गए ऑर्डर द्वारा ऐसे दल या सदस्यों को निर्देश दे देगा। ठीक है, क्या निर्देश देगा, कि आप ऐसे आचरण करें जिससे हिंसा और भय और संतरास कारित ना हो, उसका निवारण हो, उसके निवारण के लिए जो भी आवश्यक हो आप ऐसे आचरण करें। सेकंड, अगर आप अलग अलग हो जाएं, तितर बितर हो जाएं, उनमें से प्रत्येक मेंबर के लिए जिले या उसके किसी भाग या ऐसे क्षेत्र या उसके समीप के जिले,
ठीक है, या जिले या उसके बाहर के जिले, ठीक है, और जिले के बाहर के जो भी स्थान है, और ऐसे टाइम पीरियड के अंतर्गत जो भी डीएम स्पेसिफाइड करे उसको जाने का निर्देश दे देगा, और जिस स्थान से उसको हटाया गया है उससे पुनः लौटने के लिए नहीं कहेगा, और उसको बोलेगा कि जिस स्थान से आपको हटाया गया है, जिस भाग से आपको कहा गया है कि आप उसमें प्रवेश ना करें, तो आप उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। इस प्रकार सेक्शन 4 हमारा कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नया सेक्शन, सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या है? सेक्शन 5 में ये बोला गया है कि अपराध करने के लिए व्यक्तियों का हटाया जाना, अर्थात जो व्यक्ति ऑफेंस कमिट करने वाले हैं उन व्यक्तियों को हटाया जाना, ठीक है। तो जब कभी भी डीएम को ऐसा लगता है, जब कभी भी जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के आने जाने से, किसी व्यक्ति के आने जाने से या कार्यों से, किसी व्यक्ति के आने जाने से या कार्यों से मानव शरीर पर या संपत्ति पर भय या संत्रास या खतरा या अपहानि कारित होने की संभावना है या कारित हो रही है, या ये सब चीज़ें प्रकल्पित की जा रही हैं या अर्थात डिज़ाइन की जा रही हैं, तो और डीएम को ये बिलीव है, मतलब ये विश्वास करने का रीजनेबल उसके पास कारण है। क्या कारण है? कि ऐसा व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, अपराध करने के लिए बल और हिंसा भी शामिल है उस अपराध में, ठीक है। तो आईपीसी के चैप्टर 12, जिसमें ये बताया गया है सिखों से संबंधित अपराध हैं, आईपीसी के चैप्टर 12, चैप्टर 16 जिसमें ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, चैप्टर 17 जिसमें ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और सेक्शन 506, 506 में 506 और सेक्शन 509, ठीक है, अवित्रास वो कारित करने के लिए पनिशमेंट बताई गई है 506 में, ठीक है, और 509 में भय, स्त्री की लज्जा भंग और अशिष्ट टिप्पणी वगैरह करने, ये सब 509 में है, तो ये बताया गया है। तो अब इनसे संबंधित यदि वो कोई ऑफेंस करता है या फिर इनका दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरण करने में संलग्न है या फिर संलग्न होने की इच्छा रखता है, तो फिर ठीक है, अब ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, और डीएम की ये राय है कि और भी लोगों को इससे खतरा है, ठीक है, और ही व्यक्ति जो हैं जो इनकी अंगेस्ट में साक्षी हैं उनको भी अपने शरीर संपत्ति की सुरक्षा, और उनकी ओर से ये आशंका है कि उन वो डर रहे हैं कि वो कहीं हम पर हमला ना कर दें, तो वो खुलेआम साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं है। जो साक्षी हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको भी भय लग रहा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि जो डीएम है वो क्या करेगा? निर्देश जारी करेगा। निर्देश जारी करेगा किस किस को करेगा? एक तो ऐसे व्यक्तियों को करेगा, ये और एक अप्रवासी को करेगा जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, जो यहाँ का प्रवासी व्यक्ति नहीं है, इमिग्रेंट है, अप्रवासी है। अब वो अप्रवासी क्या का क्या सिस्टम है? अप्रवासी का क्या सिस्टम है? अप्रवासी का क्या सिस्टम है? अप्रवासी का सिस्टम ये है कि अगर उसको कोई एपेडमिक, उसको कोई अपेडमिक डिसीज हो जाती है, कोई महामारी हो जाती है कंटिन्यूस निवास करने से, या उसका प्रादुर्भाव होने की संभावना है, यानी उत्पन्न होने की संभावना है, जैसे कोरोना आया था तो किसी व्यक्ति के कारण एक से दूसरे को लगा, दूसरे से तीसरे को लगा, तीसरे से चौथे को लगा, इस तरीके से। तो डीएम तामील किए गए अपने लिखित ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, ड्रम पिटवा कर, वही ढोंडी पिटवा कर, ड्रम बजा कर, या फिर अन्यथा डीएम को जैसा भी सही लगे वो व्यक्तियों को और जो अप्रवासी हैं उनको निर्देश देगा। अब उनको क्या क्या निर्देश देगा वो हम आपको आगे बताते हैं। हाँ, तो डीएम ऐसे निर्देश जारी करेगा, सबसे पहले क्लॉज 1 इसमें बताया गया है, उनसे बोलेगा कि आप सभी ऐसे आचरण करें जिससे हिंसा या संत्रास
भय या रोग फैलने या उत्पन्न होने का निवारण हो, निवारण होने के लिए जो भी जरूरी हो आप ऐसे आचरण करें जिससे रोग ना फैले, रोग उत्पन्न ना हो और भय हिंसा संत्रास कारित ना हो, इस तरीके का आचरण करें, ठीक है। और इन सब के लिए जो भी जरूरी हो आप वैसे आचरण करें। सेकंड बी क्लॉज में ये बताया गया है कि वह जिले या उसके किसी भाग क्षेत्र जो मैंने आपको पहले बताया था उसके समीपस्थ समीप के किसी जिले में या उसके किसी भाग बाहर के मार्ग या ऐसे समय के भीतर चला जाए जैसा कि मजिस्ट्रेट उसको स्पेसिफाइड करें, वो टाइम बताए कि आप इस जिले के बाहर, इस जिले के क्षेत्र के किसी भाग के बाहर चले जाएं, ठीक है, और जहाँ से हट जाने का आपको निर्देश दिया गया है आप वहाँ पर लौट कर ना आए। ये निर्देश जारी किया जाएगा सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग भी। सो सेक्शन 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सो हम एक बार इसका शॉर्ट में रिपीटेशन कर लेंगे कि सेक्शन 5 जो है उसमें क्या कहा गया था। उसमें ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति ऑफेंस कमिट करने वाले हैं उनको हट जाने का निर्देश दिया गया था, ठीक है। तो अब जब जबकि डीएम को ऐसा लगता है कि कोई इस तरीके का ऑफेंस करने वाला है जिससे मानव के शरीर, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी उसको भय उत्पन्न हो, ठीक है, उसको खतरा उत्पन्न हो या उसकी अपहानि हो, ऐसा कोई कार्य करता है या प्रकल्पित करता है, ठीक है, या फिर कोई अप्रवासी है जो कंटिन्यूस निवास कर रहा है, वो अपेडमिक डिसीज़ फैल रही है उसके होने से, ठीक है, तो इन सभी को ऐसे निर्देश जारी करेगा। और जो कोई साक्षी है, साक्षी को भी भय है तो वो खुले में उसके विरुद्ध में साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ होगा। तो फिर जो डीएम है वो इस तरीके का निर्देश जारी करेगा कि आप ऐसे आचरण करें या आप को कोई अगर बीमारी है तो आप ऐसे करें कि जिससे वो बीमारी उत्पन्न ना हो, ना फैले और भय संत्रास हिंसा बल कुछ भी ना हो, आप इस तरीके का आचरण करें, इनके निवारण के लिए जो भी ज़रूरी हो आप ये सब करें। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आप उस जिले के बाहर चले जाएं, जिले के समीप स्थान से हट जाएं, उस क्षेत्र के बाहर चले जाएं, उस क्षेत्र के भाग के किसी और चले जाएं। आपको जिस स्थान से हटने का निर्देश दिया जा रहा है, जिस टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको कहा जा रहा है, आप उस टाइम पीरियड के अंतर्गत चले जाएं और लौट कर वापस ना आए, ये सेक्शन 5 बोल रहा है। सो हमारा सेक्शन 5 कंप्लीट होता है। सो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि कुछ अपराधों के दोष सिद्ध व्यक्तियों का हटाया जाना। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों का हटाया जाना। सो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति आईपीसी के चैप्टर 12, 16, 13, सेक्शन 506, 509 के अधीन कोई अपराध करता है या फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत किसी अपराध का दोषी है या फिर स्त्री या लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के तहत कोई अपराध करता है, वो भी दो बार, या फिर एमपी में जो एक्ट लागू है गैम्बलिंग, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट यानी सार्वजनिक द्रुत कीड़ा अधिनियम 1867 के अधीन सेक्शन 3, 4 और 4A के तहत कोई अपराध करता है, वो भी एक ऑफेंस को 3 वर्ष की कालावधि के भीतर 3 बार करता है, ठीक है, और सिद्ध दोष ठहराया जाता है। तो अब डीएम को यदि लगता है कि वो व्यक्ति पहले भी इन सभी कार्यों में सिद्ध दोष ठहराया गया था और जिले के अंदर या जिले के समीपस्थ स्थानों में या क्षेत्रों में दोबारा इस कार्य को करने में संलग्न हो सकता है, ऐसी संभावना है, तो उसके लिए निर्देश जारी कर देगा कि आप जिले या जिले के बाहर या जिले के किसी भाग या जिले के किसी क्षेत्र से हट जाएं। वहाँ से हट जाने का, दूर जाने का उसको निर्देश दे देगा और जहाँ से हट जाने का उसको निर्देश दिया गया है वहाँ पर पुनः वापस ना आए। सो ये हमारा सेक्शन 6 कवर हो जाता है, इस तरीके का निर्देश डीएम जारी कर देगा। सो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 में ये बताया गया है कि जो भी ऑर्डर सेक्शन 4, 5, 6 के लिए दी गए हैं उनके इन्फोर्समेंट की, उनके ऑपरेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, उनके प्रवर्तन की कालावधि क्या होगी, वो सेक्शन 7 में बताई गई है। तो
सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सेक्शन 4, 5, 6 के अधीन डीएम ने कहा है कि जिले या जिले के बाहर, जिले के समीपस्थ, जिले के पास के क्षेत्रों से हट जाने का जो भी निर्देश दिया गया है, तो ये टाइम पीरियड, ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, ठीक है, ये निर्देश कब तक जारी रहेगा, कब तक प्रवर्तन में रहेगा, तो इसका टाइम पीरियड 1 वर्ष तक रहेगा, ये सेक्शन 7 में बताया गया है। इससे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 7 कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतने ही सेक्शंस कवर करूँगी, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है। बाकी के सेक्शंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।